मोतिहारी जिले के तुरकौलिया थाना के खगनी गांव में एक मजदूर के घर का बिजली बिल 71,91,815 रुपए का बिल आने के मामले में जिलाधिकारी शीर्षित कपिल अशोक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि मामला अभी संज्ञान में आया है, तुरंत इसकी जांच करेंगे, यदि कोई गलती हुई होगी तो उसको सही किया जाएगा, साथ ही संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी को भी बताएंगे ताकि निरोधात्मक कार्रवाई करें ताकि आगे इस तरह की घटना न हो सके। बिल से संबंधित शिकायतें आपके पास प्राप्त होती है तो सरकार के द्वारा एक व्यवस्था बनाई गई है बिहार पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एक्ट लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत, वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं बिल रिडक्शन के लिए और वहाँ से जो आदेश आता है उसका अनुपालन करवाना हमारी जिम्मेवारी है। द्वितीय अपील में मेरे पास ही आता है वो मामला। अगर इस तरीके से बहुत ज़्यादा मिसमैच है तो हम शीघ्रातिशीघ्र भी इसकी जांच करवा सकते हैं। ये मामला जो है आपके द्वारा हमारे संज्ञान में लाया गया है, हम कार्यपालक अभियंता विद्युत इनसे 48 घंटे में इसका प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे और आपको भी इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं किस कारण से ये बिल जो है जारी किया गया। अगर ये बिल जेन्यून है तो वो इस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, अगर गलत है तो उसको सुधार के जो है उस लागू को भी बताया जाएगा। सर 20 लाख पहले आया था उसका, फिर उसको सुधार करने के बाद इन्होंने 72 लाख बना लिया। एक झोपड़ी में एक पंखा और 2 बल्ब जलता है उसका, वो आत्महत्या की धमकी है। नहीं, ये संदर्भ में जो है हमने जैसे आपको कहा कि हम तुरंत इसकी जांच करेंगे और निश्चित जो है अगर कोई गलती हुई है तो उसको करेक्ट करेंगे। अभी इसके बारे में जो है हम अनुमंडल पदाधिकारी को बताएंगे ताकि निरोधात्मक कार्रवाई करें कि कोई इस तरह की घटना भी ना हो।